नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। मैं हूँ अक्षय शुक्ला, आप देख रहे हैं टेक्निकल अक्षय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि आप ऑनलाइन बुक किए गए टिकट को कैसे प्रिंट कर सकते हैं। जो भी टिकट आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं उसका आप प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि ऑनलाइन टिकट आप कैसे बुक कर सकते हैं, हमारे कई वीडियो हैं ऑनलाइन टिकट आप नॉर्मल टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और तत्काल टिकट 100% कन्फर्म कैसे बुक कर सकते हैं, ये भी हमने वीडियो बनाया हुआ ऑलरेडी पहले से। तो उसी वीडियो पर लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि आप एक वीडियो बनाए जिसमें बताया प्रिंट कैसे निकालना है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये बताओ इसका प्रिंट कैसे निकालें, तो यही मैं आपको इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि प्रिंट कैसे निकालें। तो अगर आप देखना चाहते हैं हमारा वो वीडियो पहले वाला जिसमें हमने बताया हुआ है तत्काल टिकट 100% कन्फर्म कैसे बनाते हैं, तो आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख के तत्काल टिकट और नॉर्मल टिकट बुक कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं अभी प्रिंट कैसे निकाला जाता है, यही आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना ज़्यादा बकबक किए समय गंवाए वीडियो शुरू कर देते हैं, आपको फटाफट बता देते हैं कि प्रिंट कैसे निकालना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है और वहाँ पे टाइप कर देना IRCTC। सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे मिलेगा एक वेबसाइट, यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट, यहाँ पे IRCTC.co.in, इसी वाली वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है और इसमें आपको लॉगिन कर लेना है, मतलब अपना अकाउंट जो है। तो आपके सामने ऐसे खुल के आ जाएगी वेबसाइट, यहाँ पे ऊपर दिया हुआ 3 डॉट, यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर दिया हुआ है, तो 3 बिंदिया यहाँ पे जो दिए हुए हैं उस पर आपको क्लिक कर देना ऊपर सबसे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद में यहाँ पे डेस्कटॉप साइट दिया हुआ है, इस पर चेक मार्क का निशान लगा देना है, तो ये डेस्कटॉप साइट हो जाएगी आपके मोबाइल में। ठीक है, मैं मोबाइल में खोल रहा हूँ वेबसाइट, आप चाहें तो कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट में किसी भी अपन ये वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे आपको साइट में सबसे की वेबसाइट यहाँ पे आपको साइट में सबसे ऊपर 3 लाइनें दिखाई पड़ेंगी, 3 नहीं ये 4 लाइनें हैं सॉरी, तो यहाँ पे 4 लाइनें दिखाई पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको लाइनों पर क्लिक कर देना है, आपके सामने ऐसे खुलेगा, यहाँ पे दिया हुआ लॉगिन, अब आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसे खुल के आ जाएगा पेज। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ऊपर इसको करना है, एक पॉपअप विंडो में खुलेगा और यहाँ पे डाल देना है आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड, हमने ऑलरेडी डाला हुआ है यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड। तो यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ अपना कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, सेम कैप्चा नीचे डाल देना है, कैप्चा डाल देता हूँ मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कैप्चा लिखा हुआ, हमने कैप्चा डाल दिया। अब नीचे करना है लॉगिन पर क्लिक, साइन इन पर क्लिक कर देना है, साइन इन लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन इन पर हमने क्लिक कर दिया और फिर दोबारा आपको यहाँ पे 4 लाइनों पे ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा इसमें। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। माई अकाउंट पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जाना है माई ट्रांजेक्शन्स पे, तो माई ट्रांजेक्शन्स पे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, माय ट्रांजेक्शन पर जाने के बाद में यहाँ के आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको जाना है बुकेट टिकट हिस्ट्री पे, आपको जो आपने टिकट बुक किया उस हिस्ट्री पे जाना है, तो आपके सामने जो भी आपका टिकट बुक है वो उसकी हिस्ट्री वो टिकट खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने एक टिकट खुल के आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हो आप, टिकट पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली, इसी टिकट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसे ही खुल के आ जाएगा, तो यहाँ पे जो भी है सारा स्टेटस दिखाई पड़ेगा यहाँ पे। अब इसका प्रिंट निकालना मैं यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, नीचे आप आइए और इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ टिकट ई प्रिंट ई टिकट, यहाँ देखिए प्रिंट ई टिकट लिखा हुआ, आपको इस पर क्लिक कर देना है प्रिंट ई टिकट पर। आप कंप्यूटर में खोल रहे हैं वेबसाइट, लैपटॉप में खोल रहे हैं, कहीं भी खोल रहे हैं सेम ऐसे ही खुलेगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नीचे सबसे आना है, यहाँ पे आपको टिकट ये पूरा दिखाई पड़ेगा, ये आपका टिकट है, और सबसे नीचे चले जाना है, यहाँ पे सबसे नीचे, यहाँ पे मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली यहाँ पे प्रिंट पे, आपका जो प्रिंटर आपके मोबाइल से अगर चलता है वाईफाई वगैरह है तो मोबाइल से कर सकते हैं, नहीं तो आपको कंप्यूटर लैपटॉप से कनेक्ट करना पड़ेगा आपको प्रिंटर को, और यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक कर देना है।
प्रिंट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका प्रिंट निकलेगा। यहाँ पे लेटर यहाँ पूछ रहा है, देखिए कौन से फॉर्मेट में होगा, पेपर का साइज कौन सा होगा, तो ये फोर होता है, ये दो पेज में निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है दो पेज। अब हमारे पास प्रिंटर यहाँ पे कह रहा है मोबाइल में है ना, तो प्रिंटर सेलेक्ट करने को कह रहा है। यहाँ पे आप पीडीएफ में अगर सेव करना चाहते हैं इसे, तो पीडीएफ में यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भेज के पीडीएफ में सेव होने के बाद में आप डाटा केबल लगा के भी प्रिंट निकाल सकते हैं, या किसी को भेजना चाहें तो पीडीएफ भी इसका भेज सकते हैं। हमने पीडीएफ सेव कर लिया और ये आपके गैलरी में पीडीएफ सेव हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कैसे प्रिंट निकाला जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बस आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।